आईपीएल सीजन 13 के आज डबल हेडर के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के सामने चेन्नई सुपर किंग्स होगी। चेन्नई सुपर किंग्स जो 8 में से 5 मुकाबले गंवा चुकी है और 3 में उसे जो जीत दर्ज मिली है वो आज अपने जीत के मोमेंटम को बरकरार रखना चाहेगी। हैदराबाद को 20 रन से खदेड़ने के बाद अब धोनी की सीएसके की नजर दिल्ली को खदेड़ने पर है। अगर धोनी की टीम को प्लेऑफ्स में पहुंचना है तो आज दिल्ली को हर हाल में हराना होगा और अपने अगले 6 मुकाबले जो बचे हुए हैं उन 6 में से कम 5 मुकाबलों में तो जीत दर्ज करनी ही होगी, तभी प्लेऑफ्स में सीएसके के जाने के चांसेस बढ़ेंगे। ऐसे में आज के मुकाबले में इमरान ताहिर को टीम में शामिल करना लगभग तय माना जा रहा है। खबरों की माने तो पहले जॉश हेजलवुड को टीम में शामिल करने की बात कही जा रही थी, लेकिन इमरान ताहिर को टीम में लाने की बात अब पूरे तरीके से तय हो गई है। दरअसल सीएसके ने खुद भी ऐलान कर दिया था कि इमरान ताहिर जो लंबे समय से बेंच पर बैठे थे सीएसके के लिए और जो पिछले सीजन के सीएसके के पर्पल कैप होल्डर थे उन्हें टीम में आज लाया जाएगा, क्योंकि पिच स्लो हो चुकी है, विकेट 150 से 160 की होगी। ऐसे में उस लिहाज से इमरान ताहिर सीएसके के लिए एक बब्बर शेर का काम कर सकते हैं। विकेट टेकिंग बॉलर हैं और महेंद्र सिंह धोनी अपने हिसाब से उनसे गेंदबाजी करवाते हैं और धोनी और इमरान ताहिर का एक जो जुगलबंदी है वो भी काफ़ी शानदार रही है। ऐसे में इमरान ताहिर का आज दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि वो कौन से विदेशी खिलाड़ी की जगह खेलेंगे, क्योंकि ब्रावो, सैम करन, वॉटसन और डुप्लेसी सभी की परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं। ऐसे में 4 में से कौन बाहर बैठेगा ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि आज इमरान ताहिर ज़रूर खेलते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर आज दिल्ली की टीम को हराने के लिए धोनी का ये जो बब्बर शेर है वो कैसा प्रदर्शन करता है। आपकी क्या राय है, क्या इमरान ताहिर को आज का मुकाबला खेलना चाहिए? हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।